नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ दो मक्का मशीनें, जो बहुत ही ज़बरदस्त मक्का मशीन है और काफ़ी लंबे समय से ये जो ग्रुप है जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ ये मार्केट में रन कर रहा है और अपने बहुत अच्छे खासे प्रोडक्ट बना रहा है और किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इनकी मक्का मशीनें और मार्केट में एक धमाका कर रखा है इन मशीनों ने। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मनकू ग्रुप, जिनका जो ब्रांड नेम है क्रॉप पावर, पूरा जो मनकू ग्रुप बना रहा है इन मशीनों के लिए। तो इन मशीनों के बारे में आज बात करने वाले हैं, मक्का मशीनें हैं, सारी जानकारी आपको देंगे, ये मशीनें कितने में हमें पड़ेंगी और ये कितना निकासी कर सकती हैं एक घंटे में, सारा टोटल आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज आप आगे भी देख सको। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ मनकू ग्रुप के बारे में, ये कितने सालों से रन कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे 1982 यानी कि 1982 से ये मार्केट में अपने इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं। अलग अलग तरह के जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स हैं वो आज ये बना रहे हैं बहुत अच्छे खासे लेवल पे। तो आज हम लेकर के आए हैं आपको सीजन के हिसाब से मक्का मशीन, जो आपके सामने खड़ी है टॉप मॉडल हमारे सामने खड़े हुए हैं। दोनों मशीनें हैं, डिफरेंस दोनों में कलर का भी है और टायर्स का भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आगे से शुरू कर लेते हैं इस मशीन के लिए। आपको यहाँ पे जो मशीन दिखाई दे रही है, इसका जो ये आपको दिख रहा है हिच, ये हिच जो है एडजस्टेबल है, आप अपने सुविधा के हिसाब से हिच को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जो ट्रैक्टर है वो अगर ऊंचा है तो हिच को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा नीचा है तो इसको आप नीचे लेके जा सकते हैं और ये आपको पूरा इस तरह से हैवी ड्यूटी पूरा हिच आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके पुली के बारे में। तो पूरा जो पुली सिस्टम है वो आपको कवर किया गया है और यहाँ पे क्रॉप पावर की ब्रांडिंग के साथ में पूरी पुली सिस्टम को कवर किया गया है। तीन बेल्ट हैं जो हैवी ड्यूटी बेल्ट लगी हुई हैं और पुली भी दोस्तों एडजस्टेबल पुली है। जैसे बेल्ट टूट जाती है तो उसको खोल करके इजीली इसको निकाल के बेल्ट को चेंज कर सकते हैं और हैवी बेयरिंग के साथ में इसको अटैच बनाया गया पूरा। और जैसे आपको बेल्ट अगर लूज हो जाती है तो उसको टाइट करने के लिए दो नट दे रखे हैं, इन नटों से आप अपने बेल्ट को टाइट या लूज भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप दोस्तों सामने से अगर देखोगे तो कुछ तरह का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनका जो क्रॉप पावर का ये जो किसान दिख रहा है आपको, ये लोगो इन्होंने बनाया, एक अल्टीमेट एक अलग ही पहचान है ये, मतलब कि क्रॉप पावर की। जैसे क्या होता है कि मनकू ग्रुप दोस्तों बहुत बड़ा ग्रुप है, अलग 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 इनका और भी ग्रुप है, लेकिन एक स्पेसिफिक यानी कि क्रॉप पावर का इन्होंने अपनी पहचान बनाई है कि ये हमारी पहचान है। तो ये किसान आपको दिखेगा बढ़िया, इसमें क्या है कि कवर भी है जो बेल्ट को कवर भी करता है और साथ में आपको एक यूनिक पहचान भी आपको मिल जाती है देखने के लिए। उसके बाद साइड से अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ से आपको इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। इस साइड से पूरा जो एलिवेटर सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, जो आपको मक्का आपको ट्रॉली में लेनी है या आपको बोरी भरनी है तो इसको एडजस्टेबल आपको एलिवेटर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसको हम लोग जो है मतलब कि खोल सकते हैं, इसको ट्रॉली में गिरा सकते हैं, बोरी भरनी है तो इससे बोरियां भर सकते हैं पूरे इजीली। एडजस्टेबल है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ये कवर है, इसमें आप अपनी जो क्रॉप है जो फसल निकल रही है उसको भी देख सकते हैं कितनी स्पीड से चल रही है और कितना इसमें सफाई आ रही है, वो भी इसे आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो सारी जो फ्रेम है, सारी जो चादरें हैं वो इतनी क्वालिटी की हैं, A1 ग्रेड का लोहा इनमें लगा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर बात करूँ इसके फ्रेम के बारे में, जो फ्रेम है वो भी काफ़ी मोटाई में फ्रेम दे रखा है और काफ़ी तगड़ा है। मतलब क्या है कि अगर जैसे बेंडिंग की या मुड़ने की कोई भी शिकायत किसी भी तरह की इसमें आपको नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी तगड़ा फ्रेम आपको मशीन का दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ये जैसे ये चलने जो चल रहे हैं, हमारी फसल साफ हो रही है तो उसको एक प्लेट लगा करके और एक लोगो लगा करके क्रॉप पावर का मनकू का इसको कवर किया गया, ताकि किसी भी तरह से क्या है कि आपका मतलब कि दाना नीचे ना गिरे और वो कवर रहे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पे पूरा एलिवेटर सिस्टम दे रखा है यानी कन्वेयर दे रखा है, वो भी ऊपर क्रॉप पावर के मिल जाएगा, 2024 मॉडल है। यहाँ पे इनका पूरा मनकू ग्रुप का लोगो लगा हुआ है और यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में, जो इस मशीन में टायर्स आपको दे रखे हैं वो 6/16 के टायर्स आपको मिल जाते हैं, डबल टायर्स हैं ये 6/16 के हैं, इसमें भी आपको 7/16 के भी मिल जाएंगे और उधर वाली जो मशीन है उसमें बड़े टायर्स हैं, वो आपको बाद में दिखा दूँ आपको। अगर बात करें दोस्तों इसके कन्वेयर के बारे में तो कन्वेयर भी दोस्तों काफ़ी तगड़ा कन्वेयर है, पूरा सिस्टम इसमें दे रखा है। उसकी जो हाइट है नीचे से अगर आप इसको डालेंगे मक्का को उसमें बुड्ढे को, तो इतनी हाइट रखी गई ताकि इजीली कोई भी आदमी को झुकना ना पड़े, आसानी से इसमें पल्ला पराते जो भी हैं वो उसमें डाल सकें और अपनी फसल को आसानी से इसके एलिवेटर से कन्वेयर से ऊपर चली जाए और आराम से निकल सके। उसमें साथ में आपको यहाँ पर टूल बॉक्स दे रखा है जिसमें ये जैसे छोटा मोटा अपना रिंच वगैरह है वो उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टूल बॉक्स हो गया आपका। और पीछे से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपको क्रॉप पावर के ब्रांडिंग के साथ में ये व्हील कवर दे रखा है और व्हील भी दोस्तों काफ़ी तगड़ा
और बहुत ही हैवी ड्यूटी व्हील है। आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ से इसको घुमा पा रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ चलने वाली मशीन है। आराम से जो है आप जो है 45 HP 50 HP ट्रैक्टर से इसको आसानी से चला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्मूथ चलने वाली मशीन है। ट्रैक्टर पर कम से कम लोड लेकर के चलेगी और आपको जो ट्रैक्टर है वो माइलेज बहुत बढ़िया देगा इस मशीन पर। तो ये पूरी फ्रेमिंग आपको मिलेगी देखने के लिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ दूसरी मशीन पर। सेम मशीन है, कलर डिफरेंस है खाली। अब इसके टायर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये टायर्स जो आपको देखने को मिलेंगे 10, 16, 50 के हैं, ठीक है, मतलब बड़े टायर्स हैं। आपको ये वाले टायर चाहिए, ये वाले मिल जाएंगे। इस टायर्स के चाहिए, इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी दो ऑप्शन है, 6, 16 और 7, 16, ठीक है। तो ये 7, 50, 16 के, तो ये आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे टायर्स के, 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जो दूसरा कलर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा, अब इस कलर में आपको दिखाऊंगा, तो इधर से आप देखेंगे तो ये आपको पूरा नीला कलर आपको मिल जाएगा, वो आपको रेड और येलो मिल जाएगा, ये व्हाइट और ब्लू मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का नंबर वन लीडिंग ब्रांड है दोस्तों अभी के टाइम पे मक्का मशीन में। मक्का मशीन का अगर आपको लंबे समय तक के लिए अच्छी मशीन चाहिए, एक बार लेकर के दिमाग का टेंशन ना रहे, तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉप पावर के नाम से ये चलती है। उसके बाद दोस्तों इधर से आप देखेंगे इस मशीन को दूसरी साइड से, तो ऐसा मिलेगा देखने के लिए। डबल आपको फैन लगे हुए हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी जो है फैन करने के लिए डबल फैन लगे हुए हैं। इनकी जो एडजस्टमेंट है आप कर सकते हैं, आपको जो पराली यानी कि जो पनखुआ होता है, जो यानी कि भुंटे का ऊपर का पत्ता होता है, उसको दूर तक लेके जाना है तो उसको ऊपर कर सकते हैं, जमीन पे गिराना है पास में तो उसको नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। और जो चद्दर उसमें ऊपर लगाई है दोस्तों, ये काफ़ी तगड़ी वाली, जो दिल्ली मेट्रो या जो ट्रेनों में यूज़ करी जाती है वो चद्दर उसमें लगाई है, जिससे कि लंबे समय तक जो है हमारी जो मशीन है उस पर गलने का या टूटने फूटने का किसी भी तरह का कोई भी शिकायत दिक्कत ना आए, इसलिए काफ़ी तगड़ी चद्दर इसमें लगाई गई है। क्रॉप पावर की पूरी ब्रांडिंग के साथ में स्टिकर ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी देखने के लिए, और अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट है दोस्तों। क्या है कि इस मशीन पे आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी पूरी प्रॉपर अप्रूव्ड है, आपको लेजर कटिंग के साथ ये मशीन पूरी सब्सिडी अप्रूव्ड है। और दोस्तों इस मशीन पे अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो 70-80-90% तक लोन आप करवा सकते हैं, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको प्रॉपर लोन आप करवा सकते हैं। किसी भी बैंक से करवाओ, प्राइवेट कंपनी से करवाओ, जैसे आप चाहो आपको लोन प्रॉपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, ये इनका मनकू ग्रुप का पूरा कटिंग से ब्रांडिंग आपको लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, और सेम आपको इधर भी कवर लगाया गया चलने पर, पूरा देख सकते हैं मनकू ग्रुप क्रॉप पावर का, तो इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये फ्रेमिंग भी काफ़ी तगड़ी है, सेम फ्रेमिंग है, फैन लगा हुआ है डबल स्पीड के लिए, जिससे कि सफाई जो है हमारी फसल की वो अच्छी से अच्छी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे एक फ़ैन तो यहाँ पे दे रखा है और एक फ़ैन आपको वहाँ पे, तो 3 फ़ैन आपको मिल जाते हैं। और ये जो दे रखा है यहाँ से अगर देखेंगे तो जैसे आपका कोई दाना मतलब कि रह जाता है या बाहर चलने में रह जाता है तो उसको वापस डाल सकते हैं, तो ये उसको वापस उसमें भेज देता है कुटिया में। जैसे आपका थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस मशीन के, जो आपको गियर सिस्टम दे रखा है, यानी कि जो कन्वेयर वाला गियर है वो अलग है और एक गियर सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। जैसे आपका जो भुंटे हैं वो अगर थोड़े से नमी वाले हैं, गीले हैं, तो दो ऑप्शन है आपके पास, पुली में अंदर वाली साइड में अगर डालेंगे तो सूखे भुंटे अगर आपके हैं तो अंदर वाली साइड में बेल्ट को चला सकते हैं, और थोड़ा सा नमी अगर है, गीले हैं, भीग गए बारिश में, तो बाहर वाली साइड में इस बेल्ट को ट्रांसफर करेंगे, लगाएंगे, तो आप गीले भुंटे को भी कम लोड लेके, आपका ये पुली लगी हुई है ये वो आराम से निकाल पाएगी, कम लोड लेकर के चलेगी, ठीक है। साथ में अगर मैं बताऊं आपको, ये जो फैन आपको दे रखा है ये एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि इसमें जो यहाँ पे आपको दोनों साइड में बैरिंग दे रखे हैं, लोग क्या करते हैं जनरली आपको देखा होगा आपने बुश लगा देते हैं, यहाँ पे सिंपल बुश रहते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन दोनों साइड में आपको बैरिंग दे रखे हैं प्रॉपर, जिससे इसकी जो लाइफ होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और स्मूथनेस बढ़ जाती है, मशीन लोड कम लेकर के चलेगी। और दोस्तों अगर आप इन मशीनों को खरीदना चाहते हैं तो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वीडियो के, इन पे कॉल कर सकते हैं और किसी भी दोनों की दोनों मशीनों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और बुक करा सकते हैं। मिनिमम यानी कि आप समझ लो कि जो भी डाउन पेमेंट है वो आप दे करके लोन भी करवा सकते हैं, और आपको कैश में लेना है तो कैश में भी ले सकते हैं। अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाके बात कर सकते हैं। अगर कोई मेरे किसान भाई डीलरशिप लेना चाहता है, किसी भी जगह से बिलोंग करता है, तो डीलरशिप भी आपको मिल जाएगी। आप सिंपली 10 मशीनें आप मंगाओ, आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट करो कंपनी के साथ में, वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो दोनों की दोनों ऑप्शन है, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जैसा आपको चाहे वैसा आप कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पूरी जानकारी आपको मिली है। फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो कमेंट कीजिए, आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।